बॉलीवुड की ऐसी सेलिब्रिटी एक्ट्रेस जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हुई, श्रीदेवी। बॉलीवुड की ये चालबाज गर्ल शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थी। रूप की रानी, चोरों का राजा फिल्म की शूटिंग के वक्त श्रीदेवी और बोनी कपूर में काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। उनका अफेयर बोनी कपूर के साथ चल रहा था। जब श्रीदेवी की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई, तब बोनी कपूर शादीशुदा थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी मोना कपूर यानी कि बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की माँ से तलाक लेकर साल 1996 में श्रीदेवी से शादी की। शादी के कुछ ही महीनों बाद श्रीदेवी ने अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर को जन्म दिया। महिमा चौधरी। एक्ट्रेस महिमा चौधरी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं, जिन्होंने पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखा था, लेकिन आज वो फिल्मी पर्दे से पूरी तरह गायब हैं। 1997 में फिल्म पर्दे से बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले वो रेडियो जॉकी थी। इसी दौरान डायरेक्टर सुभाष घई ने उन्हें देखा और फिल्म के लिए साइन किया। परदेश, दिल क्या करे, लज्जा, धड़कन, दिल है तुम्हारा जैसी कई सफल फिल्मों में काम करने के बाद 2006 में उन्होंने शादी का फैसला किया। मुंबई के आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी करने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। अक्सर एक्ट्रेसेस अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए गुपचुप या जल्दबाजी में शादी कर लेती है। हालांकि इसके लिए तमाम दूसरे कारण बताए जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। कोंकणा सेन शर्मा। आर्ट सिनेमा का जाना माना चेहरा यानी कि कोंकणा सेन शर्मा ने भी आजा नचले में अपने को स्टार रह चुके एक्टर रणवीर शौरी से एक प्राइवेट सेरेमनी में 2010 में शादी की और कुछ ही महीनों के बाद ही उन्होंने अपने बेटे हारून को जन्म दिया। दरअसल कोंकणा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए दोनों ने जल्दबाजी में शादी की अनाउंसमेंट कर दी। अभी फिलहाल ये दोनों ऑफिशियली अलग हो गए हैं। अमृता अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा खान की छोटी बहन अमृता अरोड़ा की शादी की खबर ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि उनके अफेयर की बात कभी सामने नहीं आई थी। बाद में खबर ये आई थी कि अमृता शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद अमृता अरोड़ा ने अपने बड़े बेटे को जन्म दिया। उन्होंने बिजनेसमैन शकील लड़क से शादी की। वीना मलिक। वीना मलिक भी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। वीना मलिक ने 25 दिसंबर 2013 को दुबई बेस्ड बिजनेसमैन असद बशीर खान से शादी की और सितंबर 2014 को अपने पहले बेटे अबराम को जन्म दिया। ये बातें भी सामने आ रही थी कि ये बेटा वीना के एक्स बॉयफ्रेंड का है और असद इसके पिता नहीं है। वीना ने इसके बारे में हमेशा चुप्पी साधी। गैब्रिएला डेमेट्रियडियस। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड और मॉडल गैब्रिएला डेमेट्रियडियस ने 18 जुलाई को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया था। अर्जुन ने बेटे का नाम अरेक रामपाल रखा। इस कपल ने भी अभी शादी नहीं की है, लेकिन अपने पेरेंटहुड को एंजॉय करते हुए फोटो शेयर करते रहते हैं। सारिका। सारिका 80 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन अपनी पहली पत्नी वाणी से तलाक लेने के बाद प्रेमिका सारिका के साथ लिव इन में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद ही सारिका के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। 28 जनवरी 1986 को श्रुति हासन का जन्म हुआ। सारिका और कमल ने साल 1988 में शादी कर ली और साल 1991 में सारिका ने अपनी दूसरी बेटी अक्षरा को जन्म दिया। इतना ही नहीं, 2004 में कमल हासन और सारिका का भी तलाक हो गया। नेहा धूपिया। नेहा धूपिया बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। नेहा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अंगद बेदी से 10 मई साल 2018 को गुपचुप दिल्ली के गुरुद्वारे में शादी रचाई थी। नेहा धूपिया के मशहूर शो नो फिल्टर नेहा में खुद अंगद बेदी ने कबूला था कि नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये बात जब घर वालों को पता चली तो खूब डांट भी पड़ी। नीना गुप्ता। बधाई हो कि एक्ट्रेस नीना गुप्ता भी शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। बता दें कि वो फेमस क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। विवियन ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में नीना ने भी दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही अपनी बेटी मसाबा को पाला। सेलिना जेटली। जानशीन फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली सेलिना जेटली ने साल जुलाई 2011 में अपने बॉयफ्रेंड पीटर हॉक से शादी की और मार्च 2012 में अपने जुड़वा बच्चों विराट और विंस्टन को जन्म दिया। कहा जाता है कि सेलिना भी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते उन्होंने शादी की और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया।
कल्की कोचलिन। बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की कोचलिन निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप की पूर्व पत्नी है। अनुराग कश्यप से तलाक के बाद कल्की लंबे वक्त से इजरायली क्लासिकल पियानिस्ट बॉयफ्रेंड गाय हर्शबर्ग को डेट कर रही हैं। कल्की ने अभी अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं रचाई है, लेकिन वो उनके बच्चे की माँ जरूर बन गई है। उन्होंने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया है और दोनों काफी खुश भी हैं।